सत श्री अकाल एच एस एन टीवी जुड़े सारे दर्शकों का खबरों के इस बुलेटिन निघा स्वागत। मैं हाँ शीतल। सब तो पहले एक नज़र मारी अज दी खास खबरों पर। न्यूयॉर्क के दो व्यक्ति रूसिया के नाल मिलकर टैक्सी सिस्टम को हैक करने के लिए गिरफ्तार। उत्तरी कैलीफोर्निया के शक्तिशाली भूचाल, मकानों को नुकसान से बिजली गुल। हुण 1 लाख के लग सकता है यूएसए का स्टडी वीजा। भारतीय मूल के सुनील सिंह की मेहनत को पिया बूर, अमेरिका के बने पिज्जा किंग। कैनेडियन पासपोर्ट धारकों के लिए वड्डी खबर, भारत सरकार ने शुरू किया ई वीजा सहूलत। टोरंटो में एक व्यक्ति का कतल करने के मामले में 8 टीनेजर लड़कियों को किया गया चार्ज। उत्तर भारत के धुंध का कहर, उड़ाना ते ट्रेन सेवावां प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चीन के बढ़ रहे कोरोना मामलों ने वधाई चिंता, भारत के अलर्ट जारी, केंद्र वालों राज्यों को जीनोम की जांच करने के आदेश। एलन मस्क का वड्डा ऐलान, ट्विटर सीईओ की कुर्सी को कहेंगे बाय बाय। प्यो दे नाल मंदर जा रही थी हुई अगवा, फिर कुड़ी दी वायरल हुई वीडियो ने सारे नूं कीता हैरान। देश दे विच कतल दियां भयानक वारदातां, जिन्हां ने धुरंधर तक झंझोड़ के रख दिते ने दिल। लुधियाणा दे विच कंडक्टर दे वल्लों सवारी दे नाल कुटमार दी वीडियो हुई वायरल। शराब फैक्टरी मामला, सरकार ते धरनाकारियां नूं हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। सिद्धू मूसेवाले दे परिवार नूं मिलण पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी, हवेली दे विच गुजारी रात, रात नूं दित्ते समन। ट्रक यूनियन ने लुधियाना जलंधर नैशनल हाईवे ते लगाया धरना, 15 किलोमीटर तक लगा रहा जाम। हुण खबरां विस्तार नाल। उधर अमेरिका विखे न्यूयॉर्क के दो पुरुष जिन्हां दे नाम डेनियल अबावे अते पीटर लेमन ने, उन्होंने कथित तौर पर JFK के टैक्सी डिस्पैच के सिस्टम को तोड़न के लिए रूसी हैकरां दे नाल काम किया, तां जो वह लाइन को कट्टन दे लई कैबीज़ नूं चार्ज कर सकन। टैक्सी ड्राइवरां नूं आम तौर पर किराए के लिए घंटिया का इंतजार करना पैंदा है, पर जे वह बचाव पक्ष नूं $10 का भुगतान करते हैं तो वह कतार नूं छड्डन दे योग सन। संघी वकीलों ने यह दोष लगाया। अबावे ते लेमन नूं कंप्यूटर की घुसपैठ करने की साजिश रचन के दोष के 10 साल की सज़ा हो सकती है। फैडरल प्रोसीक्यूटर ने बीते दिन मंगलवार को कहा कि न्यूयॉर्क के इन दो व्यक्तियों जॉन एफ कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टैक्सी डिस्पैच सिस्टम को हैक करने के लिए रूसी नागरिकों के साथ साजिश रचन के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कोशिश थी कि वह लाइन के हेराफेरी कर सकन, कतार के सामने तक पहुंचने लिए ड्राइवर चार्ज कर सकन। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के वकीलों ने घोषणा की है कि डेनियल अबावे और पीटर लेमन दोवें 48 साल के ने, उन्होंने लंघे मंगलवार को सवेरे क्वींस न्यूयॉर्क की जेल के हिरासत में रखा गया, कंप्यूटर घुसपैठ करने की साजिश के दो मामलों के दोष लगाए गए हैं। सन 2019 के शुरुआत के दोवों ने कथित तौर पर रूस में स्थित हैकटरों के नाल JFK के टैक्सी डिस्पैच सिस्टम के घुसपैठ करने के लिए किसी सिस्टम के नाल जुड़े कंप्यूटर से मालवेयर स्थापित करने के लिए रिश्वत दे के कंप्यूटर टैबलेट से चोरी करने के तोड़न के लिए वाईफाई की वरतों करने के लिए काम किया। अबावेव ने कथित तौर पर नवंबर 2019 इस हैकर को टैक्सट किया कि मैं जानता कि पेंटागन को हैक किया जा सकता है, उसके विरुद्ध देशों के अनुसार एक बार हैकर ने डिस्पैच सिस्टम तक सफलतापूर्वक पहुंच प्राप्त कर ली। सरकारी वकीलों ने दोष लगाया कि अबावे ते लेमन खास टैक्सियों को लाइन के अगे ले जाने के योग रहे हैं और कतार को छड्डन के लिए ड्राइवरों को $10 चार्ज करना शुरू कर दिया। आम तौर पर JFK ते यात्रा को चुकन की कोशिश करने वाले टैक्सी ड्राइवर एक खास टर्मिनल से भेजे जाने तो पहला एक होल्डिंग लाट के उड़ीक करते हैं। इस प्रक्रिया में घंटे लग सकते हैं तो उड़ीक समा इस गल्ल ते महत्वपूर्ण प्रभाव पा सकता है कि एक टैक्सी ड्राइवर एक दिन में कितना पैसा कमाने के योग है। प्रोसीक्यूटर के अंदाजे के मुताबिक अबावे ते लेमन इस योजना के दौरान एक दिन के वो तो 1000 टैक्सी यात्रावां दे विच हेराफेरी करन दे योग सन, जो कि नवंबर 2019 तो नवंबर 2020 तक चलिया सन। दक्षिणी जिले के यूएस अटॉर्नी डेमिनियल विलियम्स ने एक बयान दे विच ये भी कहा है कि जिवें कि दोष लगाया गया है कि रूसी हैकरां दी मदद दे नाल पोर्ट अथॉरिटी नूं सवारी लई है। विलियम्स ने कहा है कि सालां तक बचाव पक्खां दी हैकिंग ने ईमानदार कैब ड्राइवरां नूं JFK ने किराया लैण दे योग होण तों रोकिया। शक्कियां नूं कल बाद दे विच जज गैब्रियल गैरनस्टाइन के सामने अदालत दे विच पेश किया जाना। दोषी साबित होने ते उन्हां नूं 10 साल तक की कैद हो सकती है। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने किसी वकील नूं बरकरार रखा सी जां नहीं। उत्तरी कैलीफोर्निया के तट पर मंगलवार को 6.4 की तीव्रता के नाल शक्तिशाली भूचाल आया, जिस कारण दो व्यक्तियों की मौत हो गई। घट्टो घट 12 लोग जख्मी हो गए हैं। भूचाल इन्ना जबरदस्त कि घर दी खिड़कियां चकनाचूर हो गई, मकान दी नीहां हिल गईं, पेंडू खेतर के करीब 60,000 घर के व्यापारक अदारों की बिजली गुल हो गई। भूचाल की तीव्रता 6.4 मापी गई। सैन फ्रांसिस्को तो लगभग 345 किलोमीटर उत्तर पछम स्थित एक छोटे जहे भाईचारे फरनडेल के नेड़े सवेरे 2:34 से आया। भूचाल का केंद्र जमीन तो 16 किलोमीटर की डूंघाई से स्थित स। इस बाद भूचाल के कई झटके महसूस किए गए। खेतर के एक निवासी अरलसेली हुरेटा ने कहा कि तुम फर्श और कंधा हिलते देख सकते हो। हमलोड काउंटी शहर के दफ्तर ने दसिया कि 12 लोगों के जख्मी होने की खबर है। 83 और 72 साल की उम्र के दो व्यक्तियों की समय सिर डॉक्टरी देखभाल की घाट के कारण भूचाल तो बाद मौत हो गई।
उधर अमेरिका दुनिया का सब तो वध ताकतवर देश है। उत्थों की पढ़ाई के काम का तजर्बा पूरी दुनिया में मानता प्राप्त है। हरेक भारतीय का सुपना है कि अमेरिका जाके पढ़ाई करे जां उत्थे काम करे, पर कुछ लोग गलत तरीक्यां दे नाल भी अमेरिका जाते हैं, जिसनों असी डोंकी कहने हैं। पर हुण तुहानू डोंकी लगाउण दी कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि अमेरिका दे वल्लों नवे नियम के मुताबक सिर्फ 1 लाख रुपए दे विच तुहाडा वीजा लग सकता है। अमेरिका का स्टडी वीजा हो सकता है, तुहाडा अमेरिका जाण का सुपना पूरा हो सकता है। जे तुसीं 12वीं जमात विच 45% नंबर लै लैने ते 5 तों 7 साल का गैप भी हो चुका है, तो भी तुहानू घबराने की लोड़ नहीं है। तुसीं अमेरिका का स्टडी वीजा अपलाई कर सकते हो ते अपने सुपनों को पूरा कर सकते हो। फंड शो करने के लिए भी पूरी मदद की जाएगी, ताकि तुहानू फंड दे विच कोई समस्या ना आए। I-20 भी हुण 1 हफ्ते दे विच आएगी, वह भी किसी सरकारी कॉलेज या यूनीवर्सिटी तो तक किसी वीजा मौके होर चंगे हो जाएंगे। उधर अमेरिका दे विच रहने वाले भारतीय मूल दे सुनील सिंह की कहानी किसी फिल्म तो घट नहीं है। वह साल 2002 दे विच सिर्फ $300 यानी कि उस समय के हिसाब के नाल करीब 10,000 रुपये लेके अमेरिका आया सी, पर अज वह इत्थे पीजा किंग दे वजो जाणिया जांदा है। दरअसल साल 1994 दे विच सुनील भारत दे विच इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा सी। इस दौरान उसने रिश्तेदार ने उसनू ग्रीन कार्ड लई स्पोंसर किया। सुनील अमेरिका पहुँच गया, पर इत्थे कोई नौकरी नहीं मिली। उसनू रेस्टन दे एक रेस्टोरेंट दे विच कुक की नौकरी मुश्किल दे नाल मिली। साल 1999 दे विच 39 साल उम्र के सुनील ने कंप्यूटर इनफॉर्मेशन सिस्टम दे विच अपनी मास्टर्स की, फिर उसको एक सॉफ्टवेयर कंपनी दे विच नौकरी मिल गई, पर मंदी के कारण उसको नौकरी चो कढ दिता गया। फिर सुनील ने अपना पिज्जा कारोबार शुरू करने के बारे सोचा, पर उसके कोल इस दे लई पैसे नहीं सन। इस लई उसने पिज्जा डिलीवरी का काम किया। करीब 3 साल यह काम करने तो बाद उसने $2 लाख कमाए। साल 2002 दे विच सुनील ने पापा जॉन्स पिज्जा फ्रेंचाइजी खरीदी। वह हुण 38 पापा जॉन्स दी फ्रेंचाइजियां अते 8 ट्रॉपिकल स्मूदी कैफे फ्रेंचाइजी के मालक ने। उसके दिन 700 कर्मचारी काम करते हैं। सुनील दसदा है कि मैं भारतीय कम्यूनिटी समागमों में पिज्जा मुफ्त वंडदा है, इसलिए लोग मैं प्यार पिज्जा किंग कहते हैं। 62 साल सुनील सिंह ने कहा कि मैं कारोबारियों को कर्जा ना लैण की सलाह देना चाहता है। भावें कोई भी कारोबार कर्जा लेंदा होवे तो जिनी जल्दी हो सके उसको वापस कर देना चाहिए। कोई भी काम छोटा या वड्डा नहीं हुंदा, हर चीज़ लई तैयार रहो। कारोबार उदों ही शुरू करो जदों तुहाडी योजना तैयार हो जाए। उधर कैनेडियन पासपोर्ट धारकों के लिए वड्डी खबर सामने आ रही है। भारत सरकार ने कैनेडा के पासपोर्ट धारकों के लिए तुरंत प्रभाव के नाल ई वीज़ा सहूलत देने का फैसला किया। ओटावा स्थित भारतीय हाई कमिशन ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय हाई कमिशन ने दसा कि कैनेडा के पासपोर्ट धारकों के लिए ई वीज़ा सहूलत तुरंत प्रभाव के नाल बहाल की जाती है। ओटावा के भारतीय हाई कमिशन ने एक बयान दे विच भी कहा कि कैनेडियन पासपोर्ट धारकों के लिए यह सहूलत 20 दिसंबर 2022 तो बहाल कर दी गई है। बयान दे विच भी कहा गया कि कैनेडियन पासपोर्ट धारक जो सैर सपाटा कारोबार सिज या सम्मेलन के लिए भारत आना चाहते हैं वीजा अपलाई कर सकते हैं। हाई कमिशन ने भी कहा कि कैनेडियन पासपोर्ट धारक किसी भी उद्देश्य लिए भारत की यात्रा करना चाहते हैं जो ई वीजा के योग नहीं हैं, पेपर वीजा भी अर्जी दे सकते हैं। यही प्रक्रिया लेसिस पास यात्रा दस्तावेजा के धारकों पर लागू होती है। इस अलावा भारतीय हाई कमिशन ने भी कहा कि जिन्होंने लोगों ने कैनेडा में वक्त BLC केंद्रों के राही वीजा के लिए अर्जी दी है, वह इस जारी होने की उड़ीक कर। उधर सिटी के डाउनटाउन 68 साल व्यक्ति को चाकू मारने के मामले में टोरंटो पुलिस के वालों 16 साल और इस तों घट उम्र के लिए 8 लड़कियों को सेकेंड डिग्री मर्डर के संबंध में चार्ज कर लिया गया। जांचकर्ताओं के वालों इन चार्जस का ऐलान मंगलवार दोपहर को टोरंटो पुलिस हैडक्वार्टर विखे रखी गई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया गया। टोरंटो पुलिस की होमिसाइड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट सर्जेंट टैरी ब्राउन ने आख्या कि एतवार को रात 12:15 बजे कई लोगों के वालों टोरंटो पैरामेडिक सर्विसिज़ को यॉर्क स्ट्रीट यूनिवर्सिटी एवेन्यू के फ्रंट स्ट्रीट वेस्ट के विचकार सद्या गया। उन्होंने दसाया कि पैरामेडिक्स ने दसाया कि किसी उत्ते इत्थे हमला किया गया सी। ब्राउन ने आख्या कि चार्ज की गई लड़कियों के 3 का पुलिस के नाल पहला ही वाह पै चुका, जबकि बाकी 5 दिनों पहला अजिहा नहीं होया। उन्होंने दसाया कि इन्होंने 3 कुड़ियां 13 साल दियां ने, 3 14 साल दियां ने ते 2 16 साल दियां ने। ब्राउन ने दसाया कि 13 तों 16 साल दियां इह लड़कियां सोशल मीडिया के उत्ते एक दूजे नूं मिलियां अते फिर शनिवार रात तों इह शहर दे डाउनटाउन दे विच इकट्ठियां होईयां। इत्थे उह दोवें लड़कियां दे विच वी शामिल ने। पैरामेडिक जख्मी व्यक्ति नूं हस्पताल लैके जा रहे सन, पर कुछ समय बाद ही उन्हां ने दम तोड़ दिता। इस व्यक्ति की पहचान का खुलासा अजे तक नहीं किया गया। ब्राउन ने दसाया कि इह व्यक्ति वल्लों पिछे जिहे ही टोरंटो दे शैल्टर सिस्टम तक पहुँच की गई सी ते इलाके दे विच उसदी मदद करन वाला परिवार भी मौजूद सी। उन्होंने दसाया कि लड़कियां नूं 52वीं डिवीजन ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰੂਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈੱਡ ਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧੁੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੱਤਰੀ
भारत के राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया। मंगलवार को यूपी पंजाब हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में संघनी धुंध देखने को मिली। इस दौरान विजिबिलिटी घट होने के कारण कई हादसे भी वापरे, इस नाल ही लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली 23 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी कर दिया। उधर दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर तो डराना शुरू कर दिया। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार अलर्ट मोड से है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बुधवार को देश में कोविड-19 की स्थिति के बारे सीनियर अधिकारियों के माहरों के साथ मीटिंग करेंगे। उधर दूसरे पास केंद्रीय सेहत सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि कोरोना के सारे पॉजिटिव मामलों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाए ताकि कोरोना के वेरियंट का पता लगाया जा सके। भारत में कोरोना के रोजाना 100 के करीब मामले आ रहे हैं, पर हुण जापान, चीन, दक्षण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय सेहत सचिव ने राज्यों को कहा गया कि खतरा अजे टलिया नहीं है। पिछले साल जून के जारी दिशा निर्देशों के तहत सारे जरूरी उपाय अपनाने के लिए किया गया। सेहत मंत्रालय के एक अधिकारी ने भी कहा कि हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन की निगरानी जारी है, पर टेस्टिंग की स्पीड घट है। आने वाले समय के कुछ होर दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। चीन के कोरोना पाबंदियों के ढील देने के बाद उत्थे इन्फेक्शन की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। स्थिति इन्नी गंभीर है कि हस्पतालों के बाहर लंबिया लाइना लग रही ने, मरीजों को बैड नहीं मिल रहे, दवाइया नहीं हैं, जिथे भी हैं लंबिया लाइना लगाई जा रही ने। शमशान घाट के भी लाशों की लाइन लगी हुई है। बीजिंग के 24 घंटे संस्कार किए जा रहे हैं। हालात इन्ने खराब हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वोटिंग 2000 तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया के सामने आए एक वीडियो के दावा किया गया कि हर रोज सैकड़े मरीज मारे ने, हस्पताल के लाशा रखने की थान नहीं बची, अंतिम संस्कार दंबिया लाइना देखने को मिल रही ने। अमेरिकी विज्ञानी महामारी विज्ञानी एरिक फिगेल डिंग ने चेतावनी दी है कि 90 दिनों चीन की 60% आबादी यानी कि लगभग 800 मिलियन लोग कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं, 10 लाख के करीब मौत का खदशा है। उधर टेस्ला के मालक एलन मस्क ने अज एक वड्डा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह आने वाले समय के ट्विटर के सीईओ की कुर्सी छड़ देंगे। दुनिया के सब तो अमीर व्यक्ति के ट्वीट के भी कहा कि जो उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट मिल जाएगा तो अपना अहदा छड़ देंगे। तुम दस दें कि एक दिन पहला मस्क ने ट्विटर पोल के राही लोगों को पूछा कि उन्होंने ट्विटर के सीईओ का अहदा छड़ देना चाहिए, जिससे ज्यादातर लोगों ने हाँ का जवाब दिता। उन्होंने ट्वीट के लिखा कि मैं सीईओ का अहदा छड़ देवगा जो मैं कोई मूर्ख बंदा इस काम के लिए मिल जाएगा। इस मगरों मैं सिर्फ सर्वर से सॉफ्टवेयर टीम हैंडल करा। एलन मस्क ने अपने अधिकारी ट्विटर हैंडल से लोगों की राय मंगी थी कि उन्होंने ट्विटर के सीईओ का अहदा छड़ना चाहिए या नहीं। इससे 50% तो वध यूजर ने हाँ का जवाब दिता। उदों तो ही अटकल लगाई जा रही हैं कि मस्क ट्विटर के सीईओ छड्डन दा ऐलान कर सकणगे। इस साल अप्रैल दे विच ही एलन मस्क ने ट्विटर नूं खरीदण दा ऐलान कीता सी, पर बाद दे विच ओह वी पिछे हटदे नजर आए। मस्क ने अखीर अक्तूबर 2022 दे विच इस साल 44 बिलियन डॉलर दे विच ट्विटर खरीद लिया। हाल ही खबर आई थी कि एलन मस्क भी ट्विटर के लिए नवे निवेशकों की तलाश कर रहे हैं। कई रिपोर्टरों का भी दावा है कि एलन मस्क के परिवारक दफ्तर के मैनेजिंग डायरेक्टर नवे इक्विटी निवेशक लभ रहे हैं। तेलंगाना के राजाना सिरसिला जिले के एक 18 साल कुड़ी अपने प्यो के नाल मंदिर जा रही थी, कुछ नौजवान कुड़ी नू जबरदस्ती कार के विच बिठा के फरार हो गए। कुड़ी के प्यो के वलों पुलिस नू घटना की शिकायत दी गई है। पुलिस मुताबक कथित अगवा की घटना जिले के चंदुरती मंडल के मुदेवाले पिंड के सवेरे 5:30 बजे के करीब उस समय वापरी जो लड़के और उसके पिता मंदिर जा रहे सन। यह सारी घटना नेड़े लगे सीसीटीवी कैमरे के भी कैद हो चुकी है। कथित अगवाकार विद्यार्थी नू जबरदस्ती कार के विच खिंच के लै गए उत्थों फरार हो गए। घटना की एक वीडियो के लड़की का प्यो उसनू बचाने की सफल कोशिश करता नजर आ बाद में पीड़िता को प्यो द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसका दोष लगाया गया कि गिरोह के मैंबरों ने उसकी धी को अगवा करने तो पहले उसकी कुटमार भी की। उन्होंने दसाया कि मुलजमान के एक उन्होंने पिंड का रहने वाला, इस घटना के उस वेले एक नवा मोड़ आ गया जो 18 साल कुड़ी का एक वीडियो वायरल होया। वीडियो के कह रही है कि उसको अगवा नहीं किया गया, सगो अपने आशक के विह कर खुद गई है। पुलिस ने दसाया कि जांच के दौरान दो लोगों को काबू कर लिया। हालांकि दोपहर तक कुड़ी की एक वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो गई, जिस में उसने कहा कि उसको अगवा नहीं किया गया। उसने अपने आप 24 साल आशक नूं फोन करके बुलाया सी ते नाल इसनूं ले जाण लई कहा सी। महानगर दे विच एक सरकारी बस दे कंडक्टर दे वल्लों सवारी दे नाल कुटमार दा मामला सामने आया। दसा जा रहा है कि फरीदकोट डिपू दे एक सरकारी बस दे कंडक्टर दे वल्लों शरेआम सवारी दे नाल बदतमीजी की गई। सिर्फ इन्ना ही नहीं, उसने एक सवारी नूं थप्पड़ भी मार दिता। उत्थे ही बस अड्डे दे मैनेजर ने पल्ला झाड़दे होए कहा कि बस फरीदकोट डिपू दी है ते कार्रवाई भी उत्थों दी होवेगी। इस घटना संबंधी वीडियो भी वायरल हुई, जिस विच PRTC दी बस दे इक कंडक्टर दे वल्लों सवारी दे नाल कीती कुटमार दी वीडियो वायरल हुई है। इस संबंधी गलबात करदे पीड़ित धिर ने कहा कि उह अपने परिवार नूं बस विच चढ़ाउण लई गया सी ते उस कोल 20 किलो दे भार वाला एक बैग सी। उधर जीरा दी मालब्रोज इंटरनेशनल प्रॉपर्टी लिमिटेड दे बाहर लंबे समय तो धरने ते बैठे किसान पिंड वासियां ते किसानां समेत हाई कोर्ट एक बार फिर तो सरकार नूं फटकार लगाई ते स्पष्ट कर दिता है कि 3 दिनां दे अंदर अंदर अदालत नूं दस्सिया जावे कि धरना कदों चुकिया जावेगा। अदालत ने कहा कि जेकर पिंड वासी कहिंदे ने कि मामले दा हल होवे तां उहनां नूं धरना चुकना पवेगा, पर इस दे जवाब दे धरनाकारियां दे वल्लों पेश होए वकीलां ने स्पष्ट कीता कि जदों तक उहनां दी मंग नहीं मन्नी जांदी उह धरना नहीं चुकणगे। वकीलां दे इस बयान ते अदालत ने उहनां नूं वी फटकार लगाउंदिया कहा कि अदालत दे विच रौला पाउणा बंद करो, एक कोर्ट रूम है ना कि राज
राजनीति का खड़ा। बचाव धिर का कहना है कि उन्होंने धरना शांतमई ढंग के चल रहा है, जिससे अदालत ने कहा है कि इस धरना स्थान सारिया सियासी पार्टिया का केंद्र बनया होया, तुसी इस शांतमई कह रहे हो। तुम दस दिए कि इस तो पहले अदालत ने सुरक्षा से फैक्ट्री के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को 15 करोड़ रुपए की रकम अदालत जमा कराने के हुक्म जारी किए हैं। हुण इस मामले से शुक्रवार को दोबारा सुनवाई होगी। उधर साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मंगलवार देर रात सिद्धू मूसेवाले की हवेली पहुंचे। उत्थे उन्होंने मरहूम गायक के परिवार के नाल दुख सांझा किया। इस नाल ही उन्होंने मूसेवाले की हवेली दे विच ही रात गुजारी। जिक्रयोग है कि काफी समय तो विदेश के विच सन ते बीते दिन ही विदेश तो परते ने। उधर सिद्धू मूसेवाले चोणां तो कुछ दिन पहला कांग्रेस पार्टी विच शामिल होए सन ते मानसा तो विधायक की भी चोण लड़े सन। इस मौके चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब आउंदे सार सब तो पहला सिद्धू मूसेवाले के परिवार के नाल दुख सांझा करन पहुंचे ने। चन्नी ने दस्सिया कि जद ओह मूसेवाले के परिवार नूं मिलण आ रहे सन तां पुलिस दे वल्लों उन्हां नूं उत्थे आउण तों रोकण दी कोशिश की गई। जद हवेली पहुंचे तो पुलिस के वालों उन्होंने समन दे दिए गए। यह परचा चरणजीत सिंह चन्नी और मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाले के चोन प्रचार के दौरान होया सी। उसे मामले में पुलिस के वालों साबका मुख्यमंत्री चन्नी को समन दिए गए हैं। उधर पंजाब दियां ट्रक यूनियन दे वल्लों पंजाब सरकार खिलाफ मंगलवार फिलौर दे विच सतलुज दरिया दे कोल नैशनल हाईवे ते धरना लगाउण दे कारण नैशनल हाईवे पूरी तरह जाम कर दिता गया, जिस तों बाद नैशनल हाईवे लुधियाणा जलंधर ते 15 किलोमीटर तक वाहनां दियां लंबियां लाइनां लग गईआं। जिला प्रशासन दे वल्लों ट्रैफिक जाम खोलण वल कोई ध्यान नहीं दिता गया, जिस कारण वाहन चालकां नूं भारी मुश्किल दा सामना करना पिया। ट्रक यूनियन ने करीब 4 बजे धरना लगाया, जिस तों बाद करीब 4 घंटे तक कोई भी वाहन 1 इंच भी अगे नहीं वध सकिया अते हौली हौली जाम भयानक रूप धारदा गया। धरने दे विच बुलारा ने मांग की है कि जल्दी सरकार यूनियन नूं बहाल करे तां जो पहला वांग ट्रकां वाले अपनी रोजी रोटी कमा सकन। धरने दे कारण लुधियाणा तो जलंधर जाण वालियां सारियां सड़कां जाम हो गईआं ने। वाहन चालक छोटे छोटे पिंडां चों निकल के लिंक सड़कां ते कई घंटे तक फसे रहे, पर लोकां दी बदकिस्मती कि उन्हां दीआं मुश्किलां दूर करन वाला किसे भी विभाग दा कोई अधिकारी मौके ते नहीं दिसिआ। सिर्फ पुलिस मुलाजम हाईवे ते मौजूद रहे, पर उन्हां नूं वी जाम दे खुल्लण दे बारे कोई जानकारी नहीं सी, जिस कारण ओह वी जनता दे सवालां दे जवाब देण दे विच बेवस दिखाई दिते। टोल प्लाजा ते वी वाहनां दी भारी जमावड़ा रहा, लोग पंजाब सरकार ते जिला प्रशासन नूं कोसदे दिखाई दिते। इस ट्रैफिक जाम दे विच जिथे आम जनता नूं मुसीबतां सहणियां पईआं ने, उत्थे ही दूजे पासे VVIPs और एंबुलेंस वाहनां नूं वी अगे जाण नहीं दिता गया, जिस कारण लोग 4 घंटे तक अपने वाहनां दे विच बैठण दे लई मजबूर होए। ज्यों ही हाईवे जाम करन दी सूचना थाना लाडोवाल दी पुलिस नूं मिली, पुलिस ने टोल प्लाजियां वल जाण वाले नैशनल हाईवे नूं लाडोवाल चौंक बैरीगेड लगा के बंद कर दिता, जिस कारण हंबड़ा तो आने वाले वाहन चालक लाडोवाल बाजार दे विच फस गए। हाईवे ते वाहन टस तो मस नहीं हो रहे से ते बाजार भी पूरी तरह दे नाल गड्डियां दी लंबियां लाइनां दे विच भर गया। आम जनता नूं लाडोवाल चौंक पैदल पार करना मुश्किल हो गया। धरना चुकवाउण दे लई दोपहर तक SDM फिलौर, तहसीलदार बलजिंदर सिंह, DSP जगदीश राज ते भारी पुलिस प्रशासन दे वल्लों गलबात चलदी रही, पर हालात विगड़न तों बाद SDM नूं उच्च अधिकारियां दे नाल गलबात जारी रखी, जिस तों बाद सरकार वल्लों आए फरमान तहत धरना इस शर्त ते रोड तों चुकवा दिता गया कि 21 दिसंबर नूं ट्रांसपोर्ट मंत्री मीटिंग होगी, जिस तों बाद 23 दिसंबर नूं यूनियन ते आगुआं दे नाल सरकार दे वल्लों 4 कैबिनेट मंत्रियां दी गठित कीती कमेटी दे नाल मीटिंग पंजाब भवन चंडीगढ़ विखे रखी गई। जदकि धरनाकारियां दे वल्लों रोड खाली करके ट्रैफिक चला दिता गया, अपना धरना साइड ते कर लिया गया जो जारी रहेगा। इस नाल ही नाल खबरां दे इस बुलेटिन दे विच अज फिलहाल इन्ना ही। अपने दोस्त शीतल नूं दिओ इजाजत ते तुसीं जुड़े रहो SSN News ਦੇ ਨਾਲ।